और हमारे साथ कर्नल दिनेश नयन भी लगातार बने हैं। इसका एनालिसिस करते हुए दिनेश नयन, अगर आप समझा पाए, क्योंकि 34वें दिन में आप युद्ध प्रवेश कर चुका है, लगातार बात हो रही है कि डिप्लोमेटिक तरीका अपनाया जाए जिसके बाद ये युद्ध कम से कम एक सेंटर पॉइंट तक पहुंच पाए। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है सर कि बातचीत के जरिए रास्ता क्या निकल पाएगा और क्या इसके बाद भी ये उम्मीद जारी रहेगी कि डिप्लोमेटिक रास्ते खुले रहे, क्योंकि जेलेंस्की लेटर लिखते हैं तो पुतिन कह देते हैं टेल जेलेंस्की मैं बर्बाद कर दूंगा यूक्रेन को। देखिए, ये बात तो विदेश मंत्री जो लावरोव है उन्होंने भी क्लियर कर दी है कि जहां तक जेलेंस्की का सवाल है उस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा रशिया, क्योंकि वो बार बार अपनी स्टेटमेंट बदल देते हैं, ताली बजवाने के लिए कहीं भी जाकर के किसी की भी पार्लियामेंट में कोई भी बात बोल देती है। अब जेलेंस्की चाहते हैं कि उनको एक सिक्योरिटी दी जाए कि रशिया के साथ में अगर वो कहते हैं कि हम न्यूट्रल रहेंगे, नेटो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो इसकी कौन गारंटी देगा कि कल की तारीख में वो लोग सुरक्षित रहेंगे। ये गारंटी शायद तुर्की की तरफ से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो उसके तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इसको मध्यस्थता की है और उनके अर्दोगन के ऊपर ये लोग विश्वास करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेन तो नहीं कह रहे कि डोनबास को हम जो है इंडिपेंडेंट कर देंगे। अब देखिए, जमीनी स्तर के ऊपर लड़ाई कहां चल रही है, एक तो पूर्वी क्षेत्र की लाइन है पूर्णिमा और दूसरी लाइन है आपके कोस्ट के साथ साथ साउथ के अंदर। अब ये जो दोनों क्षेत्र हैं, ये लैंड कॉरिडोर जिससे कि लैंड लॉक हो चुका है यूक्रेन, इसको मैं नहीं समझता रूस छोड़ने वाला है। बिकॉज रशिया को अब जहां नेटो रशिया के दरवाजे पे आना चाह रहा था, अब रशिया नेटो के दरवाजे पे पहुंच गया है। मुझे लगता है सर आप इससे अग्री जरूर करेंगे कि रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की प्लानिंग से नहीं निकला था, उसकी एक स्पेसिफिक एरियाज पर कब्जे की प्लानिंग थी और उसी के साथ वो आगे बढ़ रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।